अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग रांची। मैं हूं आपकी होस्टा सैफी और मैं मोहम्मद यासिर जी। और हमारे आपका साथ बना रहता है सुबह 9 से 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। आज जो आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों तबसरों और बेबाक सब्जियों के साथ, और साथ ही साथ आज है आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस और इनामात का भी सीजन। तो सबसे पहले आप क्या लेकर आए नाम वो बताइए। बिल्कुल जी, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम के अंदर कॉल्स करते हैं और बड़ी देर से प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं और वही डिमांड करते हैं। बल्कि हमने भी ये सोचा कि क्यों ना आपने जो रेगुलर कॉलर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस लेकर आए जाए, उनके लिए भी कुछ ऑफर हमारे पास होनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमारा एक प्रोग्राम है जीतो कराची, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है और उसमें बहुत सारे लोगों के लिए जीतने के मौके हैं और उसके पास इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने रुजू किया। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम के जरिए जो हमारे प्रोग्राम में लोग शामिल होते हैं उनको अगर वो प्रोग्राम में लाइव कॉल के जरिए अगर एक आसान सवाल का जवाब दें तो इसके पास जीत सकते हैं और उनको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है इस खास प्रोग्राम में। तो जनाब, सवाल एक छोटा सा और आसान सा सवाल ये है कि जैसे कि जो क्रिकेट आप लोग आज देख रहे हैं PSL जारी है और इसका एडिशन 3 इसका फाइनल कराची में होने जा रहा है, तो सवाल छोटा सा ये है कि इसका जो पहला एडिशन था इसके फाइनल में कौन सी दो ऐसी टीम्स थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। अगर आप ये बता देंगे तो आपको जीतो कराची के जो पासेस हैं वो जीतने का मौका मिल सकता है। वाओ भाई, तो ये तो बड़ा अच्छा आप लेकर आए सरप्राइज, और आप सरप्राइज तो लाए हैं, एक सरप्राइज मैं भी लेकर आई हूँ जी। और वो सरप्राइज ये है क्योंकि आप जानते हैं कि एक साल मुकम्मल होने जा रहा है हमारे इस प्रोग्राम को, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की एप्रिसिएशन से अल्लाह का शुक्र है कि हम इस काबिल हुए हैं आज को के एक साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कराची को एक साल मुकम्मल होने जा रहा है जी, साथ ही साथ हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है। और आपने बताना ये है कि गुड मॉर्निंग कराची जो है वो किस तारीख को शुरू हुआ था। आपका सवाल ये है कि आपने बताना ये है कि गुड मॉर्निंग कराची किस तारीख को शुरू हुआ था, और साथ ही साथ आपने इसका जवाब देना है जी। और इसके लिए हम आपको जो इनाम देंगे वो भी यासिर कोई छोटा मोटा इनाम नहीं दे रहे हम। पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या दे रहे हैं जी। हम जो इनाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं दुबई का रिटर्न टिकट। तो उसके लिए आपने गेस्ट लेकिन सवाल ये करना है कि आपने बताना है कि गुड मॉर्निंग कराची किस तारीख को शुरू हुआ था। बिल्कुल, ये बड़ा आसान सा सवाल है और जो लोग ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं देवन से वो यकीन ये जानते होंगे कि प्रोग्राम जो है वो किस दिन आगाज इसका किया गया था और बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए हैं इसी हवाले से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ये एक साल इस पूरे हो गया है प्रोग्राम को करते हुए हमें, और आपकी जो अप्रिसिएशन है, आपकी जो फीडबैक है उसके जरिए ये पता चलता रहता है। जो आदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि अब तक जो है वो सबसे बेहतरीन जो मॉर्निंग शोज चंद एक हैं उसमें अब शुमार होने लगा है। और जैसे हमेशा रेटिंग की बात होती है कि रेटिंग के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आजकल, तो रेटिंग के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के चंद बेहतरीन शोज के अंदर अब इसका शुमार होने लगा है। तो ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है, तो इसके लिए आपको भी मुबारकबाद जो है वो पेश। बिल्कुल जी, और आपको ये भी बताएं कि इस सवाल का जवाब आप सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग कराची के फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर गुड मॉर्निंग कराची का पेज है जी, और आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप गुड मॉर्निंग कराची के पेज पर भी सवाल का जवाब देंगे। और जितने ज्यादा आप एक बंदा कॉल करेगा और जितने ज्यादा जवाब देगा जितनी दफा उसको सबसे ज्यादा काउंट किया जाएगा, प्रायोरिटी यही होगी। और इस सवाल के जवाब में आपको मिलेगा दुबई का रिटर्न टिकट जी, ना कोई छोटी मोटी चीज, बड़ी चीज दे रहा है क्योंकि हमें आपका बहुत ख्याल है। पूरे साल आप हमारे साथ रहे, पूरे साल आपने जो है वो हमारा साथ दिया और हमें सराहा, तो आपको भी इस चीज के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन को इनाम मिलना चाहिए जी। और इनाम यह है कि आपको मिलेगा दुबई का रिटर्न टिकट, जाके दुबई आप बनाकर आ सकते हैं छुट्टी जी। तो उसके लिए आपने जवाब देना है कि ये बताना है कि गुड मॉर्निंग कराची किस तारीख को शुरू हुआ था। एक साल मुकम्मल होने जा रहा है, आपको ये हिंट तो दे ही दी है, वो साल मुकम्मल होने किस दिन जा रहा है, किस दिन हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था, आपने ये बताना है बाय फ्राइडे तक। और जी साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इसके अलावा भी जब हम अपनी जिस दिन सालगिरह बनाएंगे उस दिन बहुत सारे इनामात हैं आपके लिए, बेतहाशा इनामात हम लेकर आए रहे हैं यहाँ से। और क्या मतलब
इसको थोड़ा सा एक साल तो इसको यकीनन हो गया बिल्कुल, और लोगों ने इसको बड़ा सराहा, प्रोग्राम को पसंद किया, और उसकी बड़ी वजह ये बनी कि हमने शुरू दिन से कोशिश ये रखी कि आपके मसाइल के हवाले से बात की जाए, आपके मसाइल को ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में हाईलाइट किया जाए, और इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, और कोशिश ये अभी भी जारी है। जहाँ तक बात सरप्राइजेज की, तो हम हमेशा लेकर आते रहे और लाते रहेंगे, और प्रोग्राम को बेहतर बनाने के हवाले से जो चीज आप समझते हैं कि प्रोग्राम में शामिल की जानी चाहिए उसके बारे में भी आप निशानदेही करते रहिए। बिल्कुल जी, और ये अपनी नौयत का पहला वाहिद करंट अफेयर न्यूज बेस्ड मॉर्निंग शो है, जिसके अंदर ना सिर्फ आपके मसाइल को डिस्कस किया बल्कि इस प्लेटफॉर्म से हल भी कराया, और ये अपनी नौयत का पहला वाहिद शो है पूरे पाकिस्तान का, जहाँ पर न्यूज बेस्ड शो में, करंट अफेयर जैसे शो में हमने आपका भी ख्याल रखा और आपको इनामात भी देते रहे और अभी भी दे रहे हैं आगे भी। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी न्यूज बेस्ड किसी करंट अफेयर के शो में नहीं हुआ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें इस प्रोग्राम को जो आप समझने की हमें सबसे ज्यादा कामयाबी मिली वो ये कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर लोगों को खबरों के हवाले से बात करने का मौका दिया जाए, तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश थी जो काफी हद तक कामयाब रही है, और खास तौर पे जो प्रोग्राम में लोग जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं उनके लिए वो इतना अच्छा तजिया करते हैं, इतनी अच्छी बात हमारे साथ शेयर करते हैं, यानी कि बहुत मुझे मसाइल याद आ रहे हैं जिनके ऊपर हमारे कॉलर्स ने इतनी अच्छी सजेशन जो है वो पास किए हैं, इतनी अच्छे उनके रेजोल्यूशन दिए हैं कि वो वाकई एक कमाल हम सब के लिए। तो ये एक इस प्रोग्राम का आप समझने के खासा रहा, एक इंफरादियत इसकी रही कि इसमें आप लोगों को मौका दिया गया, खबरों के हवाले से आपने तज़िये दिए, तो तज़िये बड़े खूब थे, वो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे चंद एक जो तज़िये लोगों के हैं वो हमारे पास सेव हैं, उनको भी फिर इंशाल्लाह किसी वक्त जरूर प्रोग्राम के अंदर चलाएंगे, तो ये इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। जी बिल्कुल, और ऐसा शो पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी करंट अफेयर के शो में, न्यूज बेस्ड शो में जो है वो आपको इनामात भी दिए जा रहे हो, आपको भी मौका दिया जा रहा हो, यहाँ पे मेहमान भी साथ हो, पॉलिटिकल आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, ये मौका आपको किसी शो ने पाकिस्तान के कभी नहीं दिया। ये पहला शो है अपनी नौयत का मुनफरिद जिसमें आपका भी ख्याल रखा गया, आपके मसाइल को ना सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिशियंस के साथ डिस्कस किया, आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ डिस्कस किया, अब मेन अथॉरिटीज कंसर्न अथॉरिटीज के साथ डिस्कस किया, बल्कि आपका भी ख्याल रखा हमने हमेशा से, आपकी राय का भी ख्याल रखा और आपको इजहार करने का मौका दिया, साथ ही साथ आपको इनामात से भी नवाजा, डे वन से और आज भी नवाज रहे हैं और आगे भी इसी तरह नवाज रहे हैं। अच्छा जी, चलिए ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए, एक दफा फिर आपको बता देते हैं कि जीतो कराची एक हमारा प्रोग्राम, एक सिलसिला हमने शुरू किया है जिसमें बहुत सारे इनामात जीतने का मौका है कराची वालों के लिए, कराची के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो खासतौर पर कराची में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान मौका है कि वो जाएं लविश मॉल तारिक रोड के ऊपर, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कंडक्ट किया जा रहा है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो एक सवाल का जवाब आपने देना है, और सवाल ये है कि PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला एडिशन था उसके फाइनल में कौन सी दो टीमें थी जो मद्दे मुकाबले थी, आपने इसका जवाब देना है, और फिर बजरिया फरहंदाजी आपका नाम जो है वो शामिल कर लिया जाएगा उसमें, जो जीतेगा उम्मीदवार उसको जो है वो प्रोसेस उसके जी। तो दो सवाल आज आपसे पूछे हैं, एक तो सवाल का आपको जी तो कराची का जी पास मिलने जा रहा है, और दूसरे सवाल के जवाब आपको मिल रहा है दुबई का रिटर्न टिकट जी, तो जल्दी जल्दी आप कॉल कर सकते हैं और बातें करते हैं। साथ ही साथ ब्रेक पे आज के बॉर्डरॉप की बात कर रहे थे जी, आज का बॉर्डरॉप ये बहुत ही खूबसूरत सा और खिलते रंग, बहुत प्यारा कलर स्पॉन्सर किया है जी सेलीटेक्स ने, और इनके बारे में हमने आपको बताया था, ये सिल्कोरिया इनकी कलेक्शन का नाम है जी, बड़े ही प्यारे बड़े फ्लोरेंट वाइब्रेंट कलर्स हैं जी, और साथ ही साथ इसमें आप जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो बहुत प्यारा है, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर्स का इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रॉयडरी बड़ी सिल्वर की इसमें आ रही है, बहुत प्यारा इसमें कलर्स का इस्तेमाल किया है समर स्प्रिंग को मद्देनजर रखते हुए, और जी इनकी सिल्कोरिया की ये कलेक्शन आ रही है, लॉन्च हो रही है कमिंग फ्राइडे 9th मार्च को, और आपने जाना है क्योंकि मैं वहां जरूर आ रही हूं और आपकी मुझसे मुलाकात भी हो सकती है जी। तो सिल्कोरिया की ये जो लॉन्च हो रही है फ्राइडे को ये कलेक्शन, आपने जाके इसको जल्दी जल्दी परचेज करना है भाई, क्योंकि सारे कलर्स बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, सारे डिजाइन भी बहुत प्यारे हैं, फैब्रिक बहुत मटीरियल इनका अच्छा है, खवातीन के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि जी सी थ्रू कपड़ा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इनका सी थ्रू कपड़ा नहीं है, आप इजिली जाके बेखौफ खतर इनके कपड़े परचेज कर सकती हैं, लॉन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मटेरियल है, समर्स के हवाले से बहुत इजी गो है, तो
आप जाके इसको विजिट भी कर सकती हैं, परचेज भी कर सकती हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस के साथ ये रेंज इस वक्त मौजूद है जी इनकी, और सिल्कोलिया के नाम से पहले जो है वो अब ये इनकी नई कलेक्शन जो आ रही है, सना एंड सारा इनका ब्रांड है जी, और इनकी जो कलेक्शन है वो है सिल्कोरिया, सना एंड सारा लॉन है बाय सिल्कोरिया, और ये उनके डिजाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपने देखे और मैंने भी आज वेयर किया है। तो ये कलेक्शन आने वाली है और ये ड्रेसेस आपको मिलने वाले हैं जी 9 मार्च से, कमिंग फ्राइडे को इसकी लॉन्च है, तो आप वहां पर जाके भी परचेज कर सकते हैं। अभी आप ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम के आगाज में जैसा मैं आपको बताया कि प्रोग्राम अपना एक साल मुकम्मल करने के लिए जा रहा है, तो इस एक साल के मुकम्मल होते ही प्रोग्राम के अंदर मजीद कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके मसाइल हल के हवाले से प्रोग्राम में। बिल्कुल आपने सही कहा, और इनामात की भी बौछार हो रही है जी, और सबसे पहले आपको बताएंगे जीतो कराची के जो पासेज है जी वो आपको मिलने जा रहे हैं, और उसके लिए सवाल क्या था यासर ने, एक जल्दी आपने सवाल का जवाब देना है, तो आपको जीतो कराची के जो है वो बहुत सारे पासेज हैं वो मिलने वाले हैं जी। और इसके अलावा हमने भी एक सवाल किया जिसको आपको मिल रहा है दुबई का रिटर्न टिकट। सवाल ये आपने बताना है कि गुड मॉर्निंग कराची को जो है वो किस तारीख को एक साल होने जा रहा है, यानी कि गुड मॉर्निंग कराची की जो बर्थडे है वो किस दिन आ रही है, ये आपसे सवाल है और इसका जवाब आपने देना है। बिल्कुल, जवाब के साथ ही आपको इनामात भी दिए जाएंगे, और इसमें शामिल होने का तरीका ये कि आपने सवाल का जवाब देना है और कुरानदाजी के जरिए आपका नाम जो है वो अगर निकल आता है कुरानदाजी में, तो आपको जो है दुबई का रिटर्न टिकट जो है वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो प्रोग्राम को देखने का, सराहने का शुक्रिया। खबरों की बात करेंगे, खबरें बहुत सारी है जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अदालत के हवाले से, बहुत सारी अदालती कार्रवाइयां जारी है, तक भी आपको बताएं इस्लामाबाद में जी एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब जो के सबक वजीर आजम है वो पेश हुए जी, और पेशी के बाद वहां से रवाना हो गए हैं। इसके अलावा सबक वजीर आजम नवाज शरीफ की ही बात करें तो आपको एक खबर ये भी दें कि जो उनकी अहलिया है कुलसुम नवाज, उनके मुताबिक कल शाम से खबरें आ रही थी और कुछ खबरें अच्छी नहीं है, बताया जा रहा है कि जो उनकी रसौली है वो गर्दन में पता फिर आ गई है, जिसका जो कैंसर ट्यूमर यानी कि जो उनका मसला जिसका चल रहा था, तो अफसोस नाक बात है ये, और पूरा मुल्क उनके लिए दुआ को है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे और सेहत याबी अता करे और वो ठीक हो जाए, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि एक पार्टी के लिए जिस तरह के मसाइल इस वक्त दरपेश हैं वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन ये भी बहुत एक बर्डन होता है फैमिली में कि कोई अपना जो है बीमार हो इतने सीवियर लेवल का, तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती। बिल्कुल जी, इसके अलावा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। सेनेट के इलेक्शन में अभी भी तगो दौर जारी है कि कौन अपना चेयरमैन लेकर आएगा, कौन अपना डिप्टी चेयरमैन लेकर आएगा। इसी हवाले से जो है वो इस वक्त कोशिशें हो रही है, सियासी जोड़ तोड़ का माहौल जो है उस वक्त गर्म है, और चारों सूबों के अंदर इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, और सबकी कोशिश ये है, जैसे कल भी एक खबर आई थी बड़ी तफसील से, इसके ऊपर कल गुफ्तगू हुई है, पाटा के जो रकीन है उन्होंने अपना जो है वो जो डिप्टी है उसके लिए नाम जो है वो अब दे दिया है, और उन्होंने ये बात डिमांड की है, मुतालबा किया है कि उनकी तरफ से जो है वो जो वाइस चेयरमैन है या डिप्टी जिसको हम कहते हैं वो सेनेट के लिए होना चाहिए, आज़ाद उम्मीदवार का ये मुतालबा है। और इसी हवाले से कल आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जो टीम है वो इस कोशिशों में लगी हुई है। डॉक्टर कईम सुमरो साहब जो है वो कल बड़े एक्टिव नजर आए, सलीम मौलवी साहब वाला साहब उन्होंने जो है कुछ लोगों को कायल करने की कोशिश की है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी इसी कोशिशों में है कि किसी तरह जो है वो 53 का फिगर जो है उसको पूरा किया जाए और चेयरमैन अपना जो है वो मुंतखब करा लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप कुछ बताएं कि इस वक्त डॉक्टर कईम सुमरो जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं उनको जो है वो आगे पेश किया हुआ है और इस तगड़े में लगे हुए हैं वो, और उन्होंने ही कल ये भी कहा है कि सेनेट इलेक्शन के इनेकाद का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। इनफैक्ट उन्होंने क्रेडिट लेने की बात भी की और ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ही इस दफा भी अपना चेयरमैन सेनेट बनाने में कामयाब रहेगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में किसी शख्स से हल्फ देकर या हल्फ लेकर वोट नहीं लिया, ये उनके जो बयान है कल के, तो फिर मैं अब इस पे भी
बात अगर की जाए तो ये तो हम सब जानते हैं कि क्या हालात है और क्या मामलात है, और आपको इसी हवाले से, चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात गलत तो है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों तलब कर रहा है, आप ये पूछे ना सवाल, तो फिर ये बन रहा है क्योंकि आप देखें कि हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगाने वाले जितने भी अरकान असेंबली हैं और जितने भी सियासी लीडर हैं उनको इलेक्शन कमीशन में जी तलब भी कर लिया गया है, और इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से बड़ा फाल हो गया है जी, और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बुला रहा है। और आपको ये बताएं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम हैं, शिकायत हैं, बयानात हैं, इन सब पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और एक और अहम बात जो कि कल बहुत इंपॉर्टेंट रही सेनेट के हवाले से, वो ये कि सेनेटर्स का जो नोटिफिकेशन रोक लिया गया जिसकी खबर हमने कल दी थी, और फिर वो पूरा दिन इस पर चलता रहा कि जो वो उनका नोटिफिकेशन इसलिए रोका गया है कि जिन लोगों की डुअल नेशनैलिटी है जी तो उनको सेनेटरशिप नहीं मिलेगी, और उनको ये नोटिफिकेशन उनकी सेनेटरशिप के लिए नहीं निकलेगा क्योंकि जिस जिसकी डुअल नेशनैलिटी है या तो वो फिर सेनेटरशिप पकड़े या तो अपनी डुअल नेशनैलिटी पकड़े, कोई एक सीन हो सकता है। एग्जैक्टली, शेख रशीद साहब ने ये क्लेम किया है और इससे पहले भी वो ये बात कर चुके हैं प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कि जो बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं आपके, इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि इसमें बड़े थोड़े लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी ना हो, और अब ये एक अच्छा स्टेप है कि जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है वो अब सेनेट का जो है वो उम्मीदवार या मेंबर जो है वो पार्लियामेंट के नहीं बन सकेंगे, तो इसके ऊपर भी कोशिशें की जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो जोड़ तोड़ की जैसे बात हुई है वो सिलसिला भी जारी है। बहरहाल कराची के हवाले से थोड़ी सी बात होगी, कराची की जो बड़ी पार्टी थी माजी में मुतहदा मूवमेंट, उसके इख्तलाफात की वजह से जो उनके मेंबर्स हैं वो मुंतशिर हुए और उनके वोट्स भी हमने देखा कि दूसरी तरफ गए। इसी हवाले से एमकेएम बाकराबाद के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में जो कुछ हुआ उस पर हम शर्मिंदा हैं और अपना वोट फरूख नसीम को दिया है। एमकेएम बाकराबाद के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन ने अपने वीडियो बयान में कहा कि वोट का सौदा करने वालों ने शहीदों के लहू का सौदा किया है। सेनेट इलेक्शन के 5 उम्मीदवारों के लिए 2 टीमें बनाई गई थी, 18 अरकान में से 5 खवातीन अरकान पहले ही पीपल्स पार्टी को वोट दे चुकी हैं। मोहम्मद हुसैन का कहना था कि रह जाने वाले दीगर 13 अरकान ने फरूख नसीम को वोट दिया, दूसरी टीम की जिम्मेदारी कामरान टिसोरी को वोट देने की थी और उनमें से सलीम बंधानी ने अपना वोट पीपल्स पार्टी को दिया है। उनका कहना था कि दूसरी टीम के 19 में से 11 अरकान ने कामरान टिसोरी को वोट दिया, जबकि 8 वोटों के साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता, और ये वो लोग हैं जो 5 फरवरी से फारूक सत्तार के दाएं बाएं हैं, और फारूक सत्तार 19 में से 8 अरकान को तलाश करें ये उनकी जिम्मेदारी है। तो एक दफा फिर इल्जाम का सिलसिला जो वो शुरू हो गया, और अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो वोट दिए गए थे उस हवाले से ये बात की जा रही थी कि वो पीपल्स पार्टी को गए हैं और इसकी भी इंक्वायरी होगी, तो ये तमाम चीजें अभी भी जेर बहस हैं और ये मामला हल नहीं हुआ है। बिल्कुल, और आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, तो उस पर थोड़ी सी तफसीली बात कर लेते हैं जी। कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात और शिकायत और बयानात की कार्रवाई होगी जी, तमाम मुतल्लिका फरीकैन को 14 मार्च को तलब कर लिया गया है जी, और कमिंग वीक में यानी कि और नोटिस के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट जाती हैसियत या वकील के जरिए इलेक्शन के सामने पेश हो ताकि जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके, और पार्लियामेंटेरियन की अदम हाजिरी की सूरत में इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करेगा। कि मंगल को जारी अलामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों का नोटिस लेते हुए तमाम मुतल्लिका पार्लियामेंटेरियंस, पार्टी कायदीन जिनसे मुतल्लिका बयानात चाहे हुए हैं या जिन्होंने मीडिया चैनल्स पर हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की है, उन सबको इलेक्शन कमीशन में सबूत पेश करने के लिए 14 मार्च को तलब किया है ताकि मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम पर इमरान खान, फारूक सत्तार, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, अमीर मकाम शहाबुद्दीन खान, उज्मा बुखारी, रजा हारून, फौजा अजहरुल हसन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगाने वाले अरकान को पार्लियामेंट और पार्टी सरबराहान को 14 मार्च को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म दिया है। ये सो फार प्रोग्रेस। अब देखें, अब ये रहा है कि आप जो चैनल पर बैठ के कहते हैं ना उसकी जी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, और चाहे वो अदालतें हो चाहे वो मुतल्लिका इदारे हो, वो सब आपको फिर तलब भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और इससे पहले भी ये मामला हो चुका है जनाब, बहरहाल इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। एक बयान कल जो बड़ा ज़ेर बहस रहा और सारे प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात होती रही जी, वो सेनेट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उसके हवाले से आपको बताते हैं कि फरतुल्ला बाबर जो सौबिक तर्जुमान थे आसिफ अली जरदारी के और जो प्रेजिडेंट हाउस है उसके, उनकी जानिब से क्योंकि वो सेनेटर भी हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसके ऊपर बड़ी जो है वो कल बहस हुई है।
बहरहाल वो आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि रियासत के अंदर रियासत बनती जा रही है और उनमें कश्मकश है। पार्लियामेंट ने डिफेक्टिव रियासत खत्म ना की तो टकराव होगा, कहीं 2018 का इलेक्शन 2018 अदलिया पर रेफरेंडम ना बन जाए। जब एहतसाब कमेटी में सबके एहतसाब की बात आई तो मेरी जमात भी पीछे हट गई। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी खत्म हो रही है, दूसरे इदारों ने पार्लियमान पर शकुन मारा। अदलिया को सियासत जदा करने और सियासत को अदलिया जदा करने से पार्लियमान को खतरा है। तश्वीश होती है जब चीफ जस्टिस कसम खा कर कहें कि मेरा सियासी एजेंडा नहीं। तश्वीश होती है जब जजेस अपने वकार के लिए तोहीन अदालत कानून का सहारा लें। मंगल को सेनेट में अपने अलविदाई खिताब में उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान इख्तियारात के दायरे कार में पार्लियमान नाकाम रहा है। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि अफसोस है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो रही है। उनका कहना था कि जजेस आइन और कानून के जरिए नहीं तोहीन अदालत कानून से अदलिया का वकार बुलंद कर रहे हैं। तश्वीश होती है जब जजेस अपने वकार के लिए तोहीन अदालत का सहारा लें। बहरहाल ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है कल। जी बिल्कुल, उन्होंने मजीद ये भी कहा कि रहमत बाबा कहते हैं कि आइन पार्लियमान से बालातर है, आइन वो नहीं जो लिखा हुआ है, आइन वो है जो मैं कहूँगा। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जजेस आइन और कानून लिखने के बजाय फैसलों में अशार का हवाला देते हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने यह भी कहा कि 2018 के लिए इंतखाबी मुहिम देखता हूँ तो खौफ आता है कहीं ये साल अदलिया पर रेफरेंडम का साल साबित ना हो। पार्लियमान को वार्निंग देता हूँ कि उस दिन के शर से बचो, कहीं 2018 का इलेक्शन का महवर अदलिया का रेफरेंडम ना बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फैजाबाद पर धरना हुआ तो हुकूमत को हथियार डालने पड़े, हुकूमत के सरेंडर के मुहैदे पर डिफेक्टो रियासत ने दस्तखत किए। सेनेटर ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट डिफेक्टो रियासत खत्म नहीं करेगी तो टकराव की जानिब जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेक्टो रियासत एहतसाब से मावरा है और सिर्फ रियासत का जी बिल्कुल। और साथ ही साथ फरहतुल्लाह बाबर ने मजीद ये भी कहा कि 18वीं आईनी तरमीम सूबों के इख्तियारात की मुंतकली रोल बैक की जा रही है जी, और इस तरह से ये सारे मामलात पर उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होके बात की और सारी चीजों के ऊपर नजर डालते हुए बड़ी तवील एक स्पीच की और खजाब किया और बड़े वोकल नजर आ रहे थे कल, जो कि बड़े सीनियर एक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सियासत की निगाह से उनको देखें, सियासी एतबार से देखें तो एक बड़े पुराने इंसान और एक बड़ी पुरानी सियासतदान जिन्होंने कल खड़े होके बहुत वोकल होके ये बातें की, जिसके उसका चर्चा फिर पूरे दिन रहा और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि फरहतुल्लाह बाबर साहब इस तरह से आएंगे जब वो स्पीच करेंगे, लेकिन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जाके उन्होंने सबकी बात की। बिल्कुल, और एक चीज और जो समझने की वो ये कि ये इंकलाबी बातें जो होती हैं, ये बड़े बड़े दावे होते हैं, ये उमूमन आखिरी फेज में किए जाते हैं। जब हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही होती है तो ये सारी पार्लियामेंट की बालादस्ती, सुप्रीमेसी, ये तमाम चीजें याद आती हैं, और जब इससे पहले जितने भी सेशन रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई। बहरहाल ये तनकीद करने का उनका एक तरीका था, एक अंदाज था, जो उन्होंने तमाम बातें कही हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, और ये लास्ट स्पीच थी क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने तमाम बातें जो वो कह दी हैं। और इससे पहले भी जैसे निहाल हाशमी साहब की बात हो रही है, जो उन्होंने अदलिया मुखालिफ जो स्पीचेस दी हैं, एक दफा फिर उनको आज तलब किया गया है, इससे पहले वो सजा काट कर जब जेल से रिहा हुए थे, इसी तरह की बातें उन्होंने भी दोहराई थी। सवाल ये पैदा होता है कि जब क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट की अगर बात होती है, जो पार्लियामेंटेरियन जिसे हम कहते हैं उनकी बात होती है, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है कि जब सेनेटर्स मुंतखब होने का वक्त आया तो उस वक्त जो हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, पैसे के जरिए खरीदे जा रहे हैं। हर पार्टी ये क्लेम कर रही है कि पैसे के जरिए जो है वो मेंबर्स को अपनी तरफ जो है वो कर रही है, हायर कर रही है। जब पार्लियामेंट ऐसे बनेगी, जब उसकी फॉर्मेशन इस तरह होगी, तो फिर किस तरह आप बैठ कर इन तमाम चीजों को जब डिफेंड करेंगे या फिर इसकी सुप्रीमेसी की बात करेंगे। दूसरी तरफ लेजिस्लेशन के हवाले से अगर एनालिसिस किया जाए, जो 5 साल के अंदर कानून साजी हुई है उसके अंदर बिल्कुल आसान आपके लिए है समझना कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं हुई जो आवाम के मफाद में हो। तमाम जितने भी कानून पास हुए, जिनके ऊपर काम हुआ, उजलत में भी कुछ कानून बनाए गए जिसको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा, वो सिर्फ अपने मफाद में थे। कौमी मफाद में बहुत कम चीजें होती हैं जिसको अभी तक कोई डिफेंड नहीं कर सका और ना ये कर सकते हैं। तो बहरहाल आखिरी दिन सुप्रीमेसी की बात की है, चले सुप्रीमेसी की बात करें तो हमेशा बात करें और बात हमेशा हो रही है, कुछ सेनेट की बात हो रही है, कुछ पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के मुंतखब इस वक्त के सेनेट के चेयरमैन उनकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा वक्त होता तो चीफ जस्टिस से मिलता है, स्पीकर को तौहीन अदालत का नोटिस बदकिस्मती महसूस होता है कि आईन पामाल करने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने ये कहा कि ये बदकिस्मती है कि किसी असेंबली के स्पीकर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है, ऐसा महसूस होता है कि आईन को पामाल करने की कोशिश हो रही है। बैनुल अदारा जाति और दायरा कार के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करना चाहता था,
लेकिन बदकिस्मती से वक्त की कमी के बायस मुलाकात नहीं हो सकी। पार्लिमान और रजिया एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि दोनों का मकसद आईन का तहफ्फुज़ और दिफा करना है। अब तक मनसब की कैद की वजह से बहुत सी बातों पर जमाबंदी थी। चेयरमैन सेनेट की कैद से निकलूंगा तो खुलकर बोलूंगा। मुल्क इस वक्त नहायत नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ आमरियत से जमहूरियत का सफर रवा दवा है, दूसरी तरफ गैर जमहूरी रवैया और सोच खत्म नहीं हुई है। मुल्क को जमहूरी बनाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमने जमहूरियत आमरों से छीन कर ली है, उसे बचाना भी जानते हैं। उन्होंने ये कल जब बात की तो साथ ही साथ ऐवान बाला में अपनी पॉलिसी बयान में चेयरमैन सेनेट ने रजा रब्बानी ने यह भी कहा कि पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है बल्कि दोनों का मकसद आइन का तहफ्फुज़ और दिफा करना है। सुप्रीम कोर्ट माजी में तय कर चुकी है कि पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेगी। अदम मुदाखलत के फैसले को तमाम अदलिया को मलहूज खातिर रखना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मांगी गई मालूमात पार्लिमान की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत न करने के तसव्वुर के खिलाफ है, तो ये उन्होंने कल कही। अच्छा, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से एमएनए है शाहिदा रहमानी साहबा, उनको खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच शाहिदा रहमानी साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शाहिदा रहमानी साहब, जानना चाहेंगे कि कल जो पार्लियामेंट में हम देख रहे थे कि स्पीचेस हुई जिसमें बात की फरतुल्ला बाबर साहब ने भी और फिर चेयरमैन सेनेट साहब रजा रब्बानी साहब के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इस वक्त अब जाते जाते सब ये बात कर रहे हैं कि आईन का जो तहफ्फुज़ है वो बहुत जरूरी है, और फिर फरतुल्ला बाबर साहब ने कहा कि ऐसा ना हो इलेक्शन 2018 अदलिया पर रेफरेंडम ना बन जाए। इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो बातें की गई हैं वो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी की गई है गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर, ये हमेशा चेयरमैन सेनेट हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मौके की ही तारीफ की है कि पार्लियामेंट को हमने मुस्तहकम करने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद है, जो कुर्बानियां हैं, हमने किसी भी हाल में पार्लियामेंट की बालादस्ती पे कोई समझौता नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान प्राइम मिनिस्टर का ना आना, गुजरा का ना आना, फोरम का बार बार पूछना और इदारों को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए जो साजिशें की गई, उसके लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई और कल भी जो ऐवान बाला में ये आवाजें उठी वो उसी की तर्जमानी थी कि पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी की गई, जिस तरीके से बारह नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए या कोई इस तरीके से जो पार्लियामेंट चल रही है लेकिन अपनी मर्जी का कोई कानून साजी करनी है तो सदर मुमलिकत ने जो है सफरी जारी कर दी, ये सारी चीजें नहीं होती। पार्लियामेंट में हर चीज को लाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक क्या है, आप किससे कर्जे ले रहे हैं, एलएनजी किस माहे के तहत गई या पीआईए के अंदर जो भी इन्होंने किया, जितने भी लीजिंग लिए या ड्राई लीजिंग लिए, तैयारी तीन शराइ लिए, किसी भी चीज से पार्लियामेंट को बेखबर रखा गया, पार्लियामेंट को तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बना दिया गया। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेक्रीफाइस किया कि पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की सुपरमेसी के ऊपर जो आज सवाल उठे हैं वो इसी वजह से उठे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है इसकी नाकामी है। तो ये पार्लियामेंटेरियंस ने मौका दिया ना, ये अदालत को मौका दिया कि जो आवामी इश्यूज थे, आवामी मसाइल थे, उसके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस ने, जैसा भी आपने बताया कि उनका रवैया संजीदा नहीं था, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं था, तो अदालत को सारे मामला टेकअप करने पड़े। और जब वो एक्शन ले रहे हैं तो फिर इस पे एतराज क्या है, किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा इस पे। देखिए जी, बात यही की जा रही है कि पार्लियामेंट को जब इस तरीके के पानामा केस आया और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठ के मसले को हल करने बजाय आप अदालतों में कौन गया, मौजूदा हुकूमत गई, मौजूदा हुकूमत के लोग हर चीज के लिए अदालतों में जाते थे। जब पार्लियामेंट काम करे, इदारे काम करे तो मुतालिका इदारों और पार्लियामेंट के अंदर वो मसाइल को हल होना चाहिए। पार्लियामेंट में हमारी चूंकि मेजोरिटी नहीं, अपोजिशन की कम तादाद थी, 2/3 मेजोरिटी के साथ आए थे, बड़े बासलाहियत और सर कह रहे थे कि जी हमारे पास ऐसे अफराद की तजुर्बाकार लोगों की टीम है जिसको वक्त ने और अदालतों ने सबने उनको नाअहल साबित किया और वक्त ने नाअहल साबित किया कि ये मुझे तजुर्बाकार थे वो सबसे सब नाअहल निकले जो फॉरन पॉलिसी अपनी नहीं कर सके। आज पाकिस्तान आज ही सतह पर तन्हाई का शिकार है, क्योंकि कानून साजी कर ली जाती थी
लेकिन अगर मुल्क में बड़े बड़े मसाइल है तो उसमें कानून साजी की यहाँ पर पूरा पूरा नहीं होता था। अच्छा शायदा रहमानी साहब, मैं जानना ये चाहूंगी कि ये जो पैनामा का मामला भी आपने बताया कि हुआ था, ये सारे मामला जब हुए तो उस वक्त भी सब लोग यही कह रहे थे कि पार्लियामेंट में लेकर आना चाहिए था ये मामला, पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया? जब पैनामा का मामला हुआ अदालतों में तो अपोजिशन जमाते ही गई ना, इमरान खान साहब अपोजिशन में, इमरान खान साहब गए पैनामा का केस वहां पे लेके, और फिर इसके बाद एक एक करके सारे केसेस अदालतों में डालने लगे। अब जब अदालत उसके ऊपर सारी कार्रवाई करी है तो आप ही के फरतुल्ला बाबर साहब कल चीख रहे हैं, चेयरमैन सेनेट चीखे मार रहे हैं, सब चीखे मार रहे हैं। अब कल ऐसा ऐसा हर चीज नहीं कि चीखे मार रहे हैं, उन्होंने हमेशा फरतुल्ला बाबर एक इतिहाई सीनियर सियासतदान है और चेयरमैन सेनेट नहीं सीनियरिटी से इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्पीच दी है उसमें यही इंडिकेशन मिल रही है। उन्होंने रेफरेंडम की बात कर ली बाकायदा पूरी। हेलो जी 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 आप बोलिए। तो आज अगर अगर पार्लियामेंट में आवाज उठी भी है तो वो जनाब चेयरमैन सैनिट रबानी साहब और फरतुल्ला बाबर जैसे जीवी को समझदार सियासतदान अगर आज शुक्रिया के अंदर है और इस तरह की बात उन्होंने आज नहीं की, मुस्तकिल आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख लें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को हमेशा उन्होंने कायम रखने के लिए बात की, सैनिक में जिस तरीके से इदारों को पाबंद किया गया, इदारों को इदारों के डोमेन में इदारों को काम करने की हिदायत दी है, सैनिक ने तो फिर भी काम करके दिखाया क्योंकि सैनिक में चेयरमैन मियां रजा रब्बानी जैसी शख्सियत थी, उन्होंने पार्लियामेंट के एहतराम में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बात भी की, काम भी किया। अच्छा अब ये बताइएगा जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को तलब कर लिया है बहुत सारे लोगों को, अब ये बताएं कि अगर वहाँ पे लोग सबूत देते थे क्लेम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की कहा जा रहा है कि जी कवरेज भी थी तो फुटेजेस भी है, बहुत सारे मामला इस तरह के पता चल रहे हैं, सबूत भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि है दीगर सियासी जमातें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवैयों को सामने रखते हुए और जमहूरियत की पासदारी की है, कभी इस तरह की हम किसी भी किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहे। अगर इलेक्शन कमीशन ने बुलाया वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह के इल्जाम लगना या लगाना मनफी प्रोपेगेंडा करना हमेशा मुखालफीन ने किया है और हमने हमेशा मुखालफीन के तमाम तरवार को हंस के सहा दिया, फेस भी किया और पीपल्स पार्टी हमेशा सुरखुरु होकर निकली। ठीक है बहुत शुक्रिया शायद रहमानी साहब, पीपल्स पार्टी के एमएलए हमारे साथ मौजूद थी और जिक्र हो रहा था कल जिस तरह से पार्लियामेंट करवाई रही और हमने देखा खुद के क्या वहाँ पे खिताब किए गए, स्पीचेस दिए गए, आपने भी देखा सब हुआ, तो यही सुप्रीमेसी तो पूरे 5 साल में तो याद नहीं रही, जब उस वक्त याद रखनी चाहिए थी, उस वक्त क्यों गए अदालतों में, अदालतों के दरवाजे क्यों कट गए, ये तो खुद सोचना चाहिए था। अगर आज इतना ही बुरा लग रहा है अदालत का इंटरफेयर करना तो फिर उस वक्त ये बात आप लोग को समझनी चाहिए थी, बीइंग इन अपोजिशन पार्टीज आपको ये चीजों को बहुत कीनली जो है वो सोच के फिर आगे स्टेप अप करना चाहिए था। वेल लेट्स सी कि क्या होता है, अब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। बिल्कुल हमारे मेहमानों ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया और उनसे कुछ बात होगी, हमारे कुछ हालात हसरा के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ आर्ट और कल्चर के हवाले से भी बात करेंगे, गुज़िश्ता के प्रोग्राम्स के हवाले से हमने बात की है अपने प्रोग्राम में, बहुत सारे आर्टिस्ट को हमने अपने प्रोग्राम में मौजूद किया और पाकिस्तान में आर्ट का क्या फ्यूचर है इस हवाले से भी हम इससे पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं और इसके हवाले से चंदे के लोग हैं उनकी बड़ी एफर्ट्स कर रही हैं, उसको भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वेल लाइव कॉल का सिलसिला जो है प्रोग्राम में जारी रहेगा, प्रोग्राम के अंदर आप कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल के हवाले से तो बात करते ही हैं, आज के मौजूद के हवाले से भी आप प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे, यहाँ पर हमारे साथ सरदार नज़ाकत साहब मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया नज़ाकत साहब आपने हमें ज्वाइन किया, उनके साथ तशरीफ फरमा जनाब नासिर जावेद खान साहब जो सीईओ क्रिसेंट आर्ट गैलरी, इट्स नासिर जावेद नोट खान,
तो नासिर जावेद साहब हैं यहाँ पर, सीईओ हैं क्रिसेंट आर्ट गैलरी के, उनको भी वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और बात होगी आज कुछ मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट हैं बड़े तसल्लुक सेल साहब, उनके हवाले से तो उसको पे भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, और ये इनकी किताब है तसल्लुक सुहेल साहब की, द वर्ल्ड ऑफ तसल्लुक सुहेल के नाम से, इस हवाले से जी आज बात करेंगे कि किताब क्या है, किताब पे क्या काम हुआ है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इस अब तक क्या हुआ, इस पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा मैं नासिर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा, थोड़ा सा पहले लोगों को जो लोग नहीं समझते या नहीं जानते, बहुत बड़ा नाम उन लोगों के है तसद्दुक साहब का, सर इस बारे में बताइए कि कैसे आर्टिस्ट थे और जो आपने अभी जो एक एग्जीबिशन कराई है उसके अंदर किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स रहा, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। देखिए जो हमारे तसद्दुक साहब जो आशीष जी जी माशाल्लाह जो एज थी 89 ईयर, उन्होंने लंदन से सारा आर्ट के बारे में सीखा कॉलेज से, क्योंकि ये पेंटिंग जो इनकी बनाते थे अपनी लाइफ में इन्होंने जो बनाई है पूरी दुनिया में इनकी पेंटिंग को बहुत सराहा गया है और ये ऑक्शन में बहुत पेंटिंग्स गई हैं इनकी, इनका जो जंगल को पेस्ट करते थे ये, और इनकी बहुत ज़्यादा एक आर्ट के ऊपर इनकी एक अपना पूरा जब्त किया, शादी तक अपनी इन्हीं की बहुत अपने काम के साथ जी पूरी आर्ट के लिए और अपने वर्क के साथ इतने सिंसियर थे, और आखिरी दिनों की मुझे याद है कि ये अपनी दुनिया से जाने से पहले 4 महीने तक इन्होंने अपना जो है आखिरी पेंटिंग करते रहे। अच्छा, मतलब बीमार होने के बाद इनके एक दफा टांग में फ्रैक्चर हो गया, तो उस बिटवीन भी इन्होंने अपना काम किया, लेट के काम किया, बैठ के काम किया, और ये आखिरी दिनों में चलते फिरते बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 89 ईयर्स ओल्ड इंसान, और वो अपना जो उनका जो हाथ चल रहा था पेंटिंग के ऊपर, वो आप कभी मेरे पास मौका मिले तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कैसे वो अपना काम किए जाते हैं। मतलब उन्होंने अपने जितना काम से प्यार किया इतना किसी चीज से उन्होंने प्यार नहीं किया आर्ट के ऊपर। बिल्कुल, और काम जब ऑब्सेशन बन जाता है तो फिर इसी तरह का जो है, लेकिन उन्होंने अपनी उसको अपनी तकलीफ को नजर में नहीं रखा अपने काम के ऊपर, और वैसे जब उनके अगर कभी वैसे वो चाय पिए तो उनके हाथ शिवर करते हैं, लेकिन जब वो पेंटिंग करते हैं तो उनका हाथ बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, कुछ भी हिल नहीं रहा उनका, तो उनके बहुत ज्यादा आर्ट के ऊपर उनका अपना जो दिलचस्पी रही, उन्हें हर वक्त अपने काम, और कई दफा रात को मुझे बताते थे मैं रात को उठ के काम करता हूँ, मुझे आमत आती है। जब वो पेंटिंग सोच के नहीं बनाते थे, जब वो काम शुरू करते थे तो खुद बहुत उसके अंदर उसके अपनी चीजें वो जंगल और जो पेंट शुरू कर दें, तो उनकी ये आपके सामने अगर देखें तो लास्ट सफर जो उनकी है इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा पेंटिंग की, बहुत ज्यादा उन्होंने जंगल को जानवरों को, जो जानवरों को मैंने अभी तक बहुत कम लोगों ने बनाया है पेंटिंग के सोच में, मैंने बहुत सारा आर्ट पूरी दुनिया में देखा है तो जानवरों को किसी ने इतना ज्यादा रेकग्नाइज नहीं किया, हाँ जितना हाईलाइट इन्होंने जंगल को, जानवरों को, उनकी जो रियल क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे वो रहते हैं, कैसे तेजी से इंस्टिंक्ट हो रहा है उनको भी उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छे से जी बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो आने वाले दुनिया में जो होने वाला है बहुत सारी बातें पेंटिंग के सुर पे मुझे बना के देखे गए और लोगों को भी देखे गए, और जो इनकी जिसे हम 36 स्टोरी बोलते हैं क्लाच, तो उसमें 6 इंच के अंदर अगर आप इसमें देखें जी जी। तो पूरी उसके अंदर लाइए मैं बताऊँ उसके अंदर पूरी एक स्टोरी उसके अंदर उन्होंने एक जो कि यहाँ दुनिया में बहुत कम आर्टिस्ट लुक इट जब देखें एक स्टोरी के अंदर देखें कितने एक जरा से बॉक्स के अंदर उन्होंने इसको नंबर ऑफ स्टोरीज बना दी, पूरी एक स्टोरी उन्होंने 6 इंच के अंदर पूरी स्टोरी उन्होंने अपनी पेश कर दी पेंटिंग में, तो ये डिफिकल्ट काम है, ये हर आर्टिस्ट ये नहीं काम कर सकता है। ठीक है, तो इनकी खासियत ये बड़ी एक जो स्टोरी पे थी बहुत ज्यादा। अच्छा ये हम चाहेंगे इसको जरा क्लोज करें कैमरामैन हमारे, तो हम दिखा भी सके आपको, आप देख सकते हैं कि ये अच्छा फुटेज में भी, और वैसे भी क्लोज करें अगर हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये छोटे छोटे उसमें और कोलाज के फॉर्म में भी और बड़ा बेहतरीन काम हुआ हुआ, यानी कि ये एक तो ऑयल पेंटिंग जो है ना ये करना भी, ये भी अच्छा वो उस पर भी हमारे सामने भी फुटेज चल रही है, और ये भी है ये भी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए जंगल का जिस तरह से उन्होंने जो व्यू है उसको पेश किया है, वो उसकी जो एक इसमें उन्होंने हाईलाइट किया है जंगल का मंजर पेश किया है, और ये जिस तरह से ऑयल पेंट उन्होंने किया है बहुत अच्छे जो है ना बहुत अच्छा ऑयल पेंट का इस्तेमाल, ऑयल पेंट पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से आपको पता है इस बात का, तो जो लोग फन मुसवरी को अच्छे तरीके से समझते हैं और इस फन से जो है उनको पता भी है, जुड़े हुए भी हैं, जो काम करते हैं उनको इस बात का अंदाजा भी है कि ये काम करना कितना मुश्किल है ऑयल पेंट पे इस तरह से,
ये भी बड़ा काम है। इनकी डॉक्यूमेंट एक मूवी है वो चल रही है ऑलरेडी, जो इन्होंने अपनी इनके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट की, ये आप देख सकते हैं। ये सारा काम हुआ है। अच्छा जी, और इसके हवाले से भी अभी बात कर रहे हैं। अच्छा ये हमें बताया ना कि ये तो हमने देखा कि इसमें इनका ये बेसिकली जो थीम जिसके ऊपर ये काम करते हैं ये नेचर के हवाले से बहुत ज्यादा, जंगल के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से मेरे ख्याल से काम हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इससे पहले जानवरों पे किसी ने भी इतना ज्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया। डिफरेंट डिफरेंट कोई फेस बनाता है, कोई कुछ और, जंगल के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया। जितना देखें इनके सब के ऊपर हाथी हैं और तोते हैं और डिफरेंट जानवर हैं साथ ही। और इनका कहना था कि मेरे जानवर बातें करते हैं, आप कहीं देखें अगर देखें आपस में बातें कर रहे हैं इनके जानवर, तो थोड़े से बहुत ज्यादा इनका जो पेंटिंग है और जिनके पास ये पेंटिंग है इनकी, वो बहुत खुश नसीब लोग हैं और जिनके पास ये पेंटिंग अभी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अब तो पेंटिंग लिमिटेड रहेगी इनकी। इसलिए मैं तो बहुत समझता हूँ कि मेरे पास अभी जो मैंने शो किया 1500 लोग सिर्फ इनकी आर्ट देखने के लिए आए, वहाँ पर नॉट फॉर सेल था, तो सिर्फ लोग आर्ट देखने आए वहाँ पर कि आर्ट इनका क्या है। इतना आज तक पूरे पाकिस्तान में हमारे पिछले 30 साल से इतना बड़ा शो और इस तरह पब्लिक आर्ट के ऊपर दिलचस्पी लेने के लिए यहाँ पर आई। इससे पहले मैंने शो कभी नहीं देखा, बहुत फीडबैक रहा है और बहुत ज्यादा लोगों ने आर्ट को, मुझे लगता है कि हमारे कराची के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों की दिलचस्पी आर्ट के ऊपर हो रही है, लोग अब थोड़ा सा जी उस तरफ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं आर्ट के ऊपर। अच्छा सरदाना जाकर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि और कितना जरूरी समझते हैं इस वक्त जिस तरह के हालात हैं हमारे पास, कितनी जरूरत है इस पर काम करने की, और इस जो काम को भी प्रोफेशनली भी वैसे भी देखा जाए लोग नहीं लेते, कहते हैं कि शायद ये कोई ऐसे ही है और शौक के तौर पे, शायद मशगले के तौर पे ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बड़ी मैटर करती है। आप क्या समझते हैं कि ये कितना जरूरी है ऐसा सोसाइटी में इसको करोगे ना? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि देखिए मैं तो एक ज़ाहिर है पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन मैंने जितना इन दोस्तों के साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे बड़ी बहुत सारी दो तीन चीज़ें ऐसी मालूम हुई इन दोस्तों से कि मेरे लिए कम अज़ कम बड़ी वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी, कि शॉकिंग न्यूज़ क्या बल्कि गुड न्यूज़ थी मेरे लिए कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं, इन्होंने जो भी 17 तारीख को पिछले महीने की जो इन्होंने प्रोग्राम किया उसमें जो भी इनके पास अर्निंग आई, इन्होंने 2-3 पेंटिंग ऑक्शन में रखी, वो SIUT हॉस्पिटल और जो इंडस हॉस्पिटल है उसको इन्होंने उसको उनके लिए चैरिटी की है। देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जो आर्टिस्ट है बुनियादी तौर पर वो बहुत ही, आपने देखा होगा कि कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं, एक टाइम होता है कि उनका एक अच्छा टाइम होता है, उसके बाद फिर वो इस दुनिया से, दुनिया में जब बीमार हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नासिर जावेद साहब को, इनकी पूरी टीम को, क्रिसेंट आर्ट गैलरी को, मैं बिलखसूस नाम लेना चाह रहा हूँ चित्रा प्रीतम साहब का, कलवशा भट्ट और बहुत सारे लोग जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, और इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ ऑनर, कि इन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध गवर्नमेंट को बिलखसूस ऑन बोर्ड लिया, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब सरदार शाह साहब अगर मेरे सुन रहे हैं तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए बहुत सारा काम किया है और बल्कि उस प्रोग्राम में आए और उन्होंने वहाँ पे एक ऐलान किया कि हम तो सद्दत सोहेल साहब की नेशनल म्यूजियम में एक इंशाल्लाह गैलरी भी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इनका नहीं बल्कि हर उस फर्द का फर्ज है जो भी इस माशरे के अंदर रहता है कि वो अपने ऐसे लोगों को प्रमोट करे और ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर, देखें हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो फेस नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी मकादे पे फिकर से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर वो एक टाइम होता है कि उनके चेहरे बड़े अशांश बशांश होते हैं, वो अपना काम के अंदर उनका बड़ा स्कोप होता है, उनको बड़े लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि वो बिल्कुल एक मायूसी की जिंदगी, ऐसे में हम तमाम लोगों को फर्ज है, सिर्फ गवर्नमेंट, अब जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है उनका नहीं बल्कि तमाम माशरे के लोगों का फर्ज है। जिस तरह ये लोग क्रिएशन आर्ट गैलरी के जो दोस्त हैं वो काम कर रहे हैं, जिस तरह जो इनकी जो इनिशिएटिव मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, जिनको स्ट्रीट आर्टिस्ट कह सकते हैं आप, उनको उनकी बेहतरी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं,
और तसद्दुक सोहेल साहब ने जिस तरह काम किया, जिस तरह नासिर जावेद साहब ने बात की कि उन्होंने ना कि सिर्फ जंगलात पेंट किए बल्कि उन्होंने दो साल बाद के जो मनाजिर हैं वो भी अपनी पेंटिंग्स में इन्होंने रखे हैं। जो 17 तारीख को नमाश हुई, मैं तो हैरान रह गया कि वहां पे कराची के लोगों की दिलचस्पी देख के, मेरे ख्याल में इन्होंने 350 लोगों का अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन वहां पे मोर देन 1500 पीपल वहां पे लोगों ने शिरकत की और लोग ऐसे देख रहे थे पेंटिंग्स को। और खास करके जो इनका थीम है बेसिकली ये कि ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि जो ये कह रहे हैं कि जो भी ऑप्शन होगा, जो पेंटिंग्स हमारी बिकेंगी उसमें जो अर्निंग होगी मुख्तलिफ हॉस्पिटल को और मुख्तलिफ ऐसे लोगों को जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों की हम लोग बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करेंगे। और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ उन्हें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं आर्टिस्ट के लिए, और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि जो हमें ये डायरेक्शन देते जाएंगे हमारे दोस्त, तो सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इनके पीछे। ठीक है, अच्छा ना सर, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो इनिशिएट कर रही है, कोशिश कर रही है आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए बड़े इवेंट्स जो वो करवाते हैं, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि एक आर्ट गैलरी जो बाकायदा फॉर्म की जाए और जो हमारी नई जनरेशन है उसको इससे जरा रोशनास कराया जाए, उनको बताया जाए कि एक्चुअली आर्ट है क्या। क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स और इसकी तरफ जो है वो ज्यादा लोगों का फोकस है, तो नई जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए कितना जरूरी है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा। देखिए मैं बहुत शुक्रिया है कि मुझे लोग कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। जी जी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के पास गया हूँ, कल्चर मिनिस्टर के पास गया हूँ, तो नज़ाकत साहब हमें इंट्रोड्यूस सब किया है, सब लोगों ने भर चढ़ के हमारी मदद की गवर्नमेंट ने, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा, तो इसलिए मैं लोगों की बातों पे नहीं जा सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी यहाँ पर गवर्नमेंट ने मेरे साथ खड़े होके मुझे प्रॉपर मेरी मदद की है और जिस तरह हमें मशवरे दिए हैं किस तरह आपने काम करना है, किस तरह हम लेके चले हैं, और हर तरीके से हमारी आज तक मदद कर रहे हैं। तो ये लोग जो हमें अपने म्यूजियम में एक स्पेस दे रहे हैं तसद्दुक सोहेल के लिए, तो ये अब कभी भी दुनिया में जो आने वाले बच्चे हैं जो आर्ट को काम कर रहे हैं, आर्ट के ऊपर सीख रहे हैं, तो उनको वहाँ से तसद्दुक सोहेल का या और आर्टिस्ट का वहाँ पर उनको काम मिलेगा कि कैसे हमारे बड़े आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट थे कैसे काम करते थे। तो आपको यही एक सूरत हाल है, और हमारा आर्ट जैसे दुनिया बदल रही है तो हमारा आर्ट भी मॉडर्न हो रहा है, तो उसको भी हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को कोशिश मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे सलमान फारूकी साहब है, अब उनके साथ में मिलकर कुछ काम हम करने जा रहे हैं। हमारे चित्रा प्रीतम है, उनकी जो अभी नुमाइश थी हमारी 16 तारीख को गोल्फ क्लब में, वो थोड़ी सी लेट होगी, सम रीजन हमारा भी होमवर्क फाइनल हो नहीं पाया, वो भी 100 पेंटिंग हम शो करने आ रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, उसको थोड़ा हम एक्सटेंड किया अभी। अच्छा, क्योंकि लोगों को अब पता चला है जो तसद्दुक सोहेल साहब को देखना चाहते हैं, उनके काम को देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या गोइंग फॉरवर्ड कोई ऐसा इवेंट है, कोई प्लान कर रहे हैं जिसके ऊपर जो लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसके लिए, क्योंकि मैं एक बुक बनाने जा रहा हूँ तसद्दुक सोहेल के ऊपर, तकरीबन 300 पेज की। अच्छा, वो ऑलरेडी ऑन प्रिंट पे है, उसको माजरीन हुसैन ने लिखा है और वो फाइनली एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएगी, तो अप्रैल में हम इस्लामाबाद में उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। इनके ताबू ने वहाँ पर हमारे साथ पूरा जो हम उसको बुक के थ्रू हम उनको जिंदा रखने के लिए, वो पूरी दुनिया में बुक जाएगी जिसके अंदर हमारे आने वाले बच्चे उस बुक को जब देखेंगे तो एक चीज उसके अंदर कैद हो जाएगी, जैसे इसके अंदर आप देखें ब्रोशर के अंदर तो पेंटिंग कैद होगी, अब जो आर्टिस्ट हैं वो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि बुक के अंदर किस तरह वो काम करते थे। तो लोगों की जो पेंटिंग नहीं खरीद पाते तो ऐसे बुक की सूरत में उनके घरों पे बुक होगी, ऑफिस में बुक होगी, तो अपने आर्टिस्ट को आप रिकॉग्नाइज आने वाली सदियों पे बुक के थ्रू हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो मेरा ये नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत सारे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या क्रिसेंट जो क्रिसेंट आर्ट गैलरी है उनको सपोर्ट करेगी, उनकी एग्जीबिशन को प्रमोट करने के लिए अपना रोल प्ले करेगी? जी, मैंने आपको अर्ज किया कि मैं अभी सलमान फारूकी हैं, यंग आर्टिस्ट हैं ये, और इनकी हम बहुत जल्दी एकदम तो नहीं, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, इनकी पेंटिंग बहुत हो रही है, तो सलमान फारूक के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, और भी हमारे 2-3 आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर हम साथ मिलकर करें, खाली हमारे लिए कोई ओल्ड आर्टिस्ट की बात नहीं हो रही है, हमारे पास यंग आर्टिस्ट को हम ले करें। मेरा मकसद आर्ट अपने मुल्क का हमें दुनिया में दिखाना है, और जो लोग ये समझते हैं कि आर्ट के थ्रू हम लोगों को अमन भी दे सकते हैं, और आप जो पेंटिंग देखते हैं तो आपकी बिल्कुल आप डिफरेंट दुनिया में चले जाते हैं। किसी पेंटिंग को आप जानना चाहें, आपके सामने लास्ट सफर रखी है तो आप इसको देखते जाएंगे, अगर सब पढ़ना शुरू कर दें तो आप ये खत्म नहीं होने वाली थी जल्दी बुक। तो पेंटिंग के थ्रू आप बहुत कुछ लोगों को मैसेज अपने कन्वे कर रहे होते हैं,
और मैंने पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, जैसे मिस्र में मैंने देखा, जब आप पुराना आर्ट वहाँ देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया की हिस्ट्री मिल रही होती है कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किसने क्या किया, तो वहीं से आपको किताबों के थ्रू और आर्ट के थ्रू ही आप सारी पुरानी बातें को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है सरदार जी, सब आपकी तरफ आऊंगी। और अभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि आर्ट एक तालीम भी है, उसके जरिए पढ़ भी सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि निसाब के अंदर इस हवाले से कोई सब्जेक्ट एडिशन किया जाए या कोई सिलेबस लेकर आया जाए ताकि लोगों को पता चले, प्रॉपर उनको एजुकेशन दी जाए बच्चों को? आर्ट को पढ़ रहे हैं और बहुत सारा, ये तो वो आर्टिस्ट हैं जो तसद्दुक सोई साहब, जिनको ये बाय बर्थ बाय नेचर ये आर्टिस्ट है। अब ये कि जरूरत इस अमर की है कि पूरी दुनिया के अंदर मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग आर्ट को सीख के, आर्ट को पढ़ के, जैसे सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे आप मेडिकल पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसको देख के पढ़ के वो लोग आर्टिस्ट बनते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेट ये था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई हमें सिचुएशन मिली नहीं है। इसका नुकसान क्या हुआ लॉन्ग रन, कि हमारे लोग डाइवर्ट होकर दूसरी एक्टिविटीज की तरह चले गए। दहशतगर्दी, इंतहापसंदी पाकिस्तान के अंदर आ गई, फिर पाकिस्तान का जो इमेज था पूरी दुनिया में वो खराब हुआ। इससे लोग डिफरेंट एक्टिविटीज की तरफ चले जाए। जरूरत ये थी कि पाकिस्तान के लोगों को, हमारे जो अरबाब इख्तियार जो इस मुल्क के अंदर रूल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि वो इस तरफ उस लेवल पे तवज्जो नहीं दे सकी जिस पे होना चाहिए था। और बिलखसूस जिस शहर में हम बैठे हुए, इसके लिए अंग्रेज लिखता है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, कि इम्तहान देने वाला इस शहर का ज्यादा तेज होता है इम्तहान लेने वाले से। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ से आर्ट, यहाँ का, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर सीखने आते थे। बट अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कराची को नजर लगी कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आना बंद हुए, दुनिया के लोग आना बंद हुए, क्योंकि हमारे शहर के हालात कुछ ऐसे थे। लेकिन मैं बड़े, मेरे लिए बड़ा खुशगवार एहसास हुआ उस दिन 17 को जब मैं इनकी नमाज में गया, कि कराची की ना कि सिर्फ एलीट क्लास थी बल्कि हर मकातब फिक्र के लोग वहाँ पे पेंटिंग देखने आए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे लोगों ने ना कि सिर्फ पेंटिंग को देखा बल्कि इसको अप्रिशिएट किया। और लोगों ने हमारे साथ जो डिस्कशन हुई मिनिस्टर साहब के साथ, हमारे MNA MPs सारे वहाँ पे मौजूद थे, मुक्ति सियासी समाजी तंजीमों के लोग थे, उसमें पाकिस्तान के जितने लोग बड़े एलीट क्लास के लोग थे, उन्होंने ये एक तजदीद ऐद किया कि इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो लोग आगे जाके हम जो यंग जनरेशन है उसकी जो अटेंशन किसी तरह से डाइवर्ट कर सकेंगे। So do you think कि अब आपको, चूंकि आपकी हुकूमत भी है अभी सूबे में तो, और आपके पास अपने राइट्स इख्तियारात भी हैं, तो एजुकेशन में आप इसको एज अ सब्जेक्ट एडॉप्ट करा सकें, एज अ सिलेबस प्रॉपर्ली ला सकें? अभी आपने खुद कहा कि जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में, सो व्हाई डोंट वी थिंक कि हमें इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेट, ये चीज डिस्कशन भी हुई है। और मैं देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे कोई मैं सियासी पार्टी को या अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी को कोई प्रोजेक्ट करने नहीं आया बल्कि मैं आर्टिस्ट के ऊपर बात करने आया हूँ। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम लोग उनकी टीम का हिस्सा है, तो हम जब कराची का कोई आर्टिस्ट होगा, मैं अमजद सावरी साहब का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वो कराची का एक बड़ा, पाकिस्तान का ना कि दुनिया का एक बड़ा नाम थे, तो उनके लिए चेयरमैन साहब ने ऐलान किया था कि हम कराची यूनिवर्सिटी में एक चेयर कायम करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। फिर कराची के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी सजेशन मैं नोट कर लेता हूँ, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग होगी। बड़ी अच्छी सजेशन है कि हम लोग इसको एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इसको कैसे लेके जाएंगे। और फिर इससे भी ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ, मैं इस शहर में पढ़ा हूँ, मेरी एजुकेशन है, मेरा बिजनेस है, मेरी पॉलिटिक्स है, मैंने देखा कि इस शहर के जो बड़े आर्टिस्ट थे, एक हद तक तो वो बड़े चमकता दमकता चेहरा उनका रहा है, लेकिन कुछ अरसे बाद बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज आप दोनों बैठे हुए माशाल्लाह एक्टिव हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कल आपकी अगर उम्र 60 साल 70 साल तक चली जाती है, तो फिर उनकी बेहतरी के लिए हमें कोई ना कोई डायनेमिक्स बनाने, कोई ना कोई कोई ऐसी चीज बनानी है कि कम से कम उनकी जिंदगी आसानी से गुजर सके। जो लोग इस कराची में तो बड़े बड़े नाम पैदा किए, आज मैं मोइन अख्तर साहब का अगर जिक्र ना करूं, मैं उमर शरीफ साहब का जिक्र ना करूं, मैं फातिमा थरैया बेजिया का जिक्र ना करूं, मैं अनवर मकसूद का जिक्र ना करूं, तो ये इस कराची में तो पाकिस्तान के लोगों को तहजीब दी है। तो फिर इस कराची को हम लोग क्या दे रहे हैं? हम कराची के जो शहरी हैं, जो कराची की खाते पीते लोग हैं, वो इस शहर को, आर्टिस्ट को क्या दे रहे हैं?
उसमें हम इनका इनके साथ खड़े सद्दत सोहेल साहब की जो इनके पास कलेक्शन है उसके हवाले से हम काम करेंगे, जितने आर्टिस्ट हैं उनकी कलेक्शन है हम काम करेंगे सारे इनके मिलके। और बिल्कुल हम मिनिस्टर साहब ने ये भी बल्कि उस दिन डिस्कस किया था कि हम आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह आर्टिस्ट के ऊपर और कलेक्टर के ऊपर एक कमेटी बनाएंगे जो 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 लोग बहुत ही बीमारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए उनकी बेहतर उनके बच्चों के बेहतर रोजगार के हवाले से हम काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने हमारी आंखें खोली, सही बात मैं आपको बताऊं कि हमें बड़ा मजा आया इनके साथ बैठ के तो मिलके काम करने का। बाकी आप ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी, अभी आए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एक बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट के बारे में और तसद्दुक सोहेल साहब एक बहुत बड़ा नाम है आर्ट की दुनिया में और उनकी पेंटिंग्स के हवाले से बड़ी कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं कराची में, खासतौर पे जो रिसेंट आर्ट गैलरी है वो अपना काम करें, नासिर जावेद साहब जो है वो इस आर्ट को प्रमोट करने में और पाकिस्तान में जो नया टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और साथ ही ये जो लेजेंड हमारे लोग हैं इनके काम को भी दुनिया में रोशनास करा रहा है। वैसे तो तसद्दुक साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में ही उनको आर्ट के हवाले से पहचाना जाता है और पाकिस्तान में भी कोशिशें हो रही है तो उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बड़ा अच्छा रिस्पांस उसका मिला है। तो नासिर साहब मैं चाहूंगा थोड़ी सी इस हवाले से बात हो जाए कि अगला प्रोग्राम जो 100 पेंटिंग्स का जिसको आप बता रहे थे आपने दोबारा से इनिशिएट किया है, ये किस हद तक पहुँचा है और क्या प्लान है? ये है हमारे आर्टिस्ट हैं बहुत के मालिक हैं मिस्टर चित्रा प्रीतम है जी, जी। और जिनका हम 100 पेंटिंग का शो करने जा रहे हैं, पहले हम गोल्फ में कर रहे थे तो सम रीजन थोड़ा सा हमारा कुछ लेट हो गया, अब इसको हम प्लान कर रहे हैं मैरियट कराची में, ठीक है, ये एंड ऑफ दिस मंथ या शुरू के अप्रैल के वीक में हम इसको प्लान कर रहे हैं। तो इनका भी 100 पेंटिंग का शो करने जा रहे हैं, इनकी भी पेंटिंग में बहुत खूबसूरती है, इन्हें अपने मुल्क को पूरा पेंट किया है हमारे चित्रा प्रीतम साहब ने, गांव को कुछ को किया है, कराची जो पूरा शिपिंग का है इसको बहुत ज्यादा इन्होंने पेंट किया है, अपने मुल्क को किया है। तो इनके जो पेंटिंग है मेरे अपनी पर्सनल कलेक्शन है मेरे पास 100 पेंटिंग्स की कि जो इनकी मैं नुमाइश करने जा रहा हूँ अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह फाइनली हमारी उस पर चल रही है। तो आप भी इसमें आए और लोग देखें और मैं लोगों को वेलकम करता हूँ, आर्ट को देखें और आर्ट आपको कितना रिलैक्स करता है, आपकी बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस को ये बिल्कुल आप जब इसको देखते हैं तो आपका कहीं और दुनिया में आप खो जाते हैं एक साथ ही। तो मस्ट भी आप लोग हमारे सब दोस्तों को भाइयों को जिनके पास थोड़ा टाइम निकालें, पढ़ाई भी आप करते हैं तो इसके साथ साथ देखें तो आप रिलैक्स कितना होते हैं, आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और आपका घर को भी बहुत खूबसूरत करता है। तो इसलिए आर्ट के ऊपर हम लोगों को जो लोग नहीं जानते उसको थोड़ा जानें और अपने घर को भी खूबसूरत करें और इससे हमारे मुल्क को भी और हमारे आर्टिस्ट को भी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हमारे अगर आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हमारी वो नई नई चीजें कैसे पेश करेगा। एग्जैक्टली। तो सर आपसे ये जानना चाहूंगा थोड़ी सी बात हो जाए, सिंध गवर्नमेंट ने वैसे बड़ा काम किया है डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी कोशिशें रही है, जरा ये बताइएगा कि कराची की दीवारें हैं और जो आर्ट लवर है वो ये सवाल करते हैं कि क्यों ऐसी नहीं है कि जहाँ से पता चले कि यहाँ पे आर्ट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर आप पता है कि लोगों ने अपने जो सियासी नारे और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इनको अगर से कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, उससे पता चलेगा शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा, इस तरह का कोई प्लान है कोई ब्यूरो के ऊपर काम करने की? उसके ऊपर एक वॉलपेपर काइंड ऑफ काम हुआ लेकिन वो इतना लोकल काम हुआ कि वो वहाँ से पूरा जो वॉलपेपर है वो उखड़ चुका है, तो वो बहुत अच्छा व्यू था हालांकि, तो उस पर थोड़ा सा पैसा लगा के, मतलब अगर वो मजबूत काम होता तो वो फिर लोग उससे देखते रहते बड़ा अच्छा रहता। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और बड़ा अनफॉर्चुनेट है पिछले दिनों ये जो आलमगीर हैं जो फिक्सिट वाले उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी, देखें उनके साथ हम कोई इख्तलाफ रहे इख्तलाफ नहीं करना चाह रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की नहीं, जिस तरह आपने एक बात की ना, आपने बड़ा अच्छी एक सजेशन पेश की है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इस पे बहस नहीं करनी चाहिए कि ये हमने ये कर दिया या जिस तरह मोहतरमा ने बात की कि वहाँ पे अंडरपास के हवाले से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ और मैं आज ही इंशाल्लाह
जो रेलिवेंट इदारा है मैं उनसे बात करूंगा, सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा कि क्यों इस तरह हुआ। जहां तक आपने कराची की रोड्स के हवाले से बात की, तो पहले तो आपको आपको पता है कि कराची में तमाम सियासी जमातें, मेरी सियासी जमात समेत तमाम सियासी जमातें अपने अपने इलाकों के अंदर जहाँ पे उनकी डोमिनेशन थी वहाँ पे अपने अपने पॉलिटिकल स्लोगन लिखते थे। लेकिन होना ये चाहिए कि कराची को अगर अब हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करें कि हमने क्या क्या इसको करना है, तो जहाँ पे कराची को पानी, बिजली और गैस और रोड की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि कराची को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं हैरान होता हूँ कि आज से अगर 70 साल पहले वाला कराची देखें और आज का कराची देखें, तो होना तो ये चाहिए था कि कराची 70 साल बाद बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत शहर होना चाहिए था। 70 साल पहले कराची की पिक्चर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत शहर हमें नजर आता है। तो इसमें कोई एक सियासी जमात जिम्मेदार नहीं है, कराची के तमाम शहरी जिम्मेदार है। मैं कराची के तमाम सियासी और समाजी और मजहबी जमातों से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा कराची की सड़कें, कराची की जो दीवारें वो गंदी मत करें। हमें सबके स्लोगन का पता है, पीपल्स पार्टी के भी, एमकेएम, मतलब सारी सियासी जमातों के स्लोगन का पता है। तो कराची की सड़कें, कराची की सड़कें और कराची के जो जो बिलखसूस जो कराची के वॉल्व हैं उनको आप सेव करें। आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ ना, जैसे अब मैंने डेड रोड की बात की कि वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, थीम बहुत अच्छा था, वो जंगल का व्यू वो बहुत प्यारा था, लेकिन वो इतना लोकल काम हुआ कि वो उखड़ गया। दूसरी जानब अभी ये हमारा यही मेन करीब है, हम रास्ते से आ रहे होते तो चीजों को ऑब्जर्व करते हुए आ रहे होते हैं। अब ये जो सब्जी मंडी वाला रोड है, यहाँ पे एक मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकती अभी, उन्होंने लेकिन पेंट किया वॉल को और बहुत प्यारे किया। रात को देखा कि पेंट हुआ है, सुबह जब हम आ रहे हैं तो एक सियासी जमात ने उसके ऊपर जी वॉल चौकी की। ऊपर तो कोई पाबंदी सख्ती से बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि कराची में सिंध गवर्नमेंट ने एक वॉल चौकी पे तो वैसे पाबंदी लगाई थी, पाबंदी है 144 लगा, उसमें कराची में हम लोगों ने सिंध गवर्नमेंट ने और सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके कराची में जितनी सियासी जमातों के फ्लैग लगे हुए थे उनको हमने स्टेप डाउन करवाया कि नीचे करो इनको, इनको हटाओ ताकि कराची की खूबसूरती खत्म ना हो। तो जैसे देखें मैं आपको बताऊं, जैसे चित्रा प्रीतम साहब हैं या हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, अगर इनकी हम वो जो पेंटिंग है उनकी अगर हम बड़ी बड़ी वो पेपर बना के हम उनको अगर लगाएंगे कराची की सड़कों के ऊपर, तो दो तीन चीजें होंगी। एक तो कराची की जो यंग जनरेशन है उसको अवेयरनेस मिलेगी, उसको उसको एक एक बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ और मैं रेलिवेंट जो हमारे सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं के मनीष साहब मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आज पॉजिटिव सजेशन आई है, बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव आज हमारा एक शो रहा है, उसमें जितनी चीजें हैं हम उनको सबको इंडोर्स करते हैं और आपकी जितनी सजेशन हैं मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। मैं रेलिवेंट सेक्रेटरी और रेलिवेंट मिनिस्टर साहब को कहता हूं कि इसके ऊपर ना कि सिर्फ लेजिस्लेशन होनी चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तो जिस तरह तसद्दत सोहेल साहब और जिस तरह चित्रा प्रीतम साहब और बहुत सारे आर्टिस्ट, जिस तरह सलमान फारूकी साहब का इन्होंने जिक्र किया, इन लोगों की जो पेंटिंग्स हैं और साथ में ये जिस तरह ये दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सवाए ये अपने खर्चे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो भी अर्निंग आए इंडस हॉस्पिटल को जाएगी, SIUT को जाएगी, उन आर्टिस्ट को जाएगी जो अपनी जिंदगी कसम कुर्सी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इन लोगों की हमें सपोर्ट करनी चाहिए और कराची की सड़कों को, ये पेंटिंग्स कराची की सड़कों पर लगनी चाहिए जो आज हम किताबों में देख रहे हैं। एक में इनकी नासिर साहब ने एक बात की थी, मैं देख रहा हूँ कि इनकी पेंटिंग्स जो है तो सद्दत सोहेल साहब की हजारों डॉलर्स में बिकती हैं, 32,000-40,000 डॉलर्स में इनकी पेंटिंग्स बिकी हैं। ये किताब का मकसद ये है कि किताब में एक आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी इतनी कॉस्टली पेंटिंग तो नहीं परचेज कर सकता, वो अगर 10,000 की 5,000 की किताब परचेज कर लेता है तो उसमें वो तसद्दत सोहेल साहब की अगर 100 पेज की पेंटिंग है तो वो 100 पेज की पेंटिंग उसमें देख सकता है, किताब का फायदा ये है। तो बाकी ये कि हम इनके साथ हैं, नासिर जावेद साहब के साथ हैं, सिंध गवर्नमेंट नासिर जावेद साहब आप क्या कहेंगे, ये जो प्रैक्टिकल है आईडिया, प्रैक्टिकल लग रहा है कुछ हुकूमत करेगी क्या? देखिए मैं हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं बात करूं, मैंने अभी मुझे लास्ट ईयर किसी मुल्क में जाना हुआ, मैक्सिको में, मैंने अपनी आंखों से देखा जो आप हमारे कश्मीर में या पिंडी में आप देखते हैं पहाड़ के ऊपर घर बने हुए, तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने सिर्फ 3 कलर किए हैं अपने घरों को, गवर्नमेंट ने डिफरेंस घर के ऊपर 3 रंग किए हैं, और जब आप उस रोड से गुजरते हैं तो आपको उनके जो आर्ट नजर आता है सिर्फ कलर,
उन्हें तीन कलर अपने सारे घरों को, जो लोगों के घर थे रहने वाले, उनको खुद गवर्नमेंट ने कलर किया, तीन कलर, वो पूरा आर्ट में कन्वर्ट हो गया। और मैंने बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे उनकी पिक्चर्स देखी, प्रैक्टिकल जाके मैंने लास्ट जुलाई में भी देख के, मेक्सिको की बात करें, इवन इनफैक्ट इटली की बात कर ले, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा आर्ट को प्रमोट किया जाता है और वहाँ पे भी इसी तरह चीज है। फिर आप उधर चले जाए, जॉर्जिया चले जाए, वहाँ देखे उन्होंने जिस तरह से आर्ट के ऊपर गवर्नमेंट सतह पे काम किया गया। ये बहुत सारे ममालिक है जो कि करते हैं। ये आप इनकी बात करें, ये बहुत अमीर मुल्क है, मैं बात करूँ गरीब मुल्क की, जिसके ऊपर कुछ नहीं किया, सिर्फ कलर किया है, कुछ नहीं। जो आप अपने घर में गरीब आदमी भी करता है, अमीर भी करता है, सिर्फ गवर्नमेंट ने उसको कलर करके अपने जो उसको आपका जो टूरिज्म है, सिर्फ वो पहाड़ को और घर देख रहे हैं, एक लाइन पे बने हुए हैं, और उसका वो कलर, एक बिल्डिंग्स को आप देखते हैं अक्सर कि उसके कलर्स, डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। तो जो मैं भी ये प्लान जो कर रहा हूँ आपको, ये जो शो करने जा रहा हूँ, वो इन्हीं लोगों के लिए है। ऐसा टेस्ट केस हमारे पास है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जो लियारी खासतौर पर उनका इलाका है, उसमें एक जो पूरी आप समझ लें कि एक लेन है, उसको इस तरह कलर किया गया है, और वो बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट रहा है। और अब वो आप समझ लें कि एक ऐसी आई कैंडी बन गया मीडिया के लिए, कि मीडिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स वहां पर जाकर जो वो बन रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये टेस्ट केस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक सादा सा रंग करना है, और हम लोगों को जो मैं नुमाइश करने जा रहा हूँ, ये वेडनेस ही है। हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो यंगेस्ट हैं, उनको आर्ट के बारे में पता हो कि आर्ट हमारे लिए घर को हमारे खूबसूरत कर रहा है। आपने भी जैसे किसी ब्रिज का जिक्र किया है, जी, जी, जी। तो वो आपको पूरा गंदा लगता है, जब बीच में जाते हैं तो खूबसूरत एक नई जगह पे आ जाते हैं, जब हम नीचे से गुजरते हैं तो उसकी खूबसूरती लगती है। तो यही अवेयरनेस है, हमें, हम सबको मिलके मेरी मदद करें, हम लोग आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं को पर्सनल अपने लिए नहीं कर रहा, मैं पब्लिक के लिए चाहता हूँ कि हमारे जो यंगेस्ट हैं उनको आर्ट के बारे में पता हो कि हमारी जो दीवारें हैं उनको खराब नहीं करना, हमें उनको खूबसूरत करना है। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, दीवारों को कलर्स करना है, कलर्स पे ही आपके वो खूबसूरती आपकी वॉल लग रही, बजाय कि आप चॉकिंग करें। तो ये हमें अपने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि नुमाइश के जरिए कि लोग जान सकें कि पेंटिंग के ऊपर कलर से कितना हमारे घर, हमारी दीवारें, हमारे रोड, ये हमारी चीजें हैं। किसी का ये मुल्क मारा है, किसी का नहीं है। तो हमें अपने मुल्क को अच्छा बनाने के लिए तो किसी न किसी को इनिशिएट लेना है। तो मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आर्ट के थ्रू लोगों को बता सकूँ कलर की वैल्यूज क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और लोग भी मिले और इसमें हमारी मदद करें, हम प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हमारे लिए हमारी मदद करें इसके अंदर, कि हम अपने मुल्क को, अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकें। हमारे मुल्क में आपको पता ही थोड़ी सी जॉब की कितनी प्रॉब्लम्स है, तो हमें अपने आर्टिस्ट को और अपने लोगों को, जो हम यहाँ पर पेंटिंग यहाँ सेल करेंगे, तो हमने प्लान किया है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको कुछ सपोर्ट करने की हम कोशिश करेंगे इसके अंदर। कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को कुछ ना कुछ इस कलर के थ्रू, इस पेंटिंग के थ्रू हम मदद करें। तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हमारी मदद कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे साथ मिल रहे हैं, और हमने कोशिश कर रहे हैं कि कल्चर मिनिस्टर से बात करें, अपनी गलियों को हम कुछ पेंट करें। मैं अपने ऑन पे करूंगा, और हम, मेरे जो दोस्त हैं पेंटर, वो हमारे साथ मिलने को तैयार है, हमारे रोडों को खूबसूरत करने को तैयार है। तो हमें गवर्नमेंट थोड़ी सी हमारी मदद तो कर रही है, मजीद हमारी मदद करे तो हम अपने ब्रिजेस, अपने जो फालतू वॉल्स हैं उनको हम खूबसूरत बनने के लिए, हमारे स्टूडेंट आर्टिस्ट बहुत हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी दीवारों को खूबसूरत किसी तरीके कर सकें। तो उसके लिए हमारी मदद करनी चाहिए और लोगों को भी करनी चाहिए, हमारे थोड़ा मिलके काम करना चाहिए। मिलके काम करेंगे तो हमारा घर खूबसूरत हो, ज्यादा खूबसूरत होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेट केस कराची के साथ, कराची में रहने वाले, आप भी कराची में रहते हैं, हम भी कराची में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली कराची को ऐसी मुख्य चीजों में डिवाइड किया गया कि कराची को किसी ने ऑन नहीं किया। जो कराची को ऑन करने की बात करते थे, वो बाद में पता चला कि बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से कराची को ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कराची के रहने वालों से, चाहे किसी भी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, कोई भी काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि कराची में जब तक कराची को हम ऑन नहीं करेंगे, कराची को अपना घर नहीं समझेंगे। और इस हवाले से मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि चेयरमैन साहब की बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है पूरे पार्टी की लीडरशिप को और बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, कि कराची को हम किसी तरह से नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्योंकि कराची में पहले तो बात करना भी मुश्किल था, काम करना भी मुश्किल था, लेकिन अब कराची, हम कोई इसमें कोई पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ गेन नहीं करना चाह रहे, बल्कि कराची को हम बनाना चाह रहे हैं, और कराची में बहुत सारे काम हुए भी हैं, और इंशाल्लाह हम जो कराची का प्लान बन रहा है तो हम कराची को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पे नहीं, मैं पाकिस्तान कराची के रहने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, किसी शक्ल का हो, कोई
किसी डिपार्टमेंट का हो लेकिन वो कराची को ओन करे, जिस तरह इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये लोग करने जा रहे हैं कि कराची में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उसके हवाले से काम करना चाह रहे हैं, मुफ्ती हॉस्पिटल के हवाले से काम करना चाह रहे हैं, हम सब लोग अगर मिल के काम करें जिस तरह इस कराची में रहने वाले माजी के अंदर लोगों ने काम किया है, तो मैं कहता हूँ कि ये कराची बन जाएगा। आज हम हकीम सईद को नहीं भूल सकते, आज हम सलाउद्दीन साहब को नहीं भूल सकते, बहुत सारे शहर के रहने वाले लोग हैं जो प्रोफेसर गफूर साहब को नहीं भूल सकते जिनकी खिदमत है कराची के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आज हमें आज के दिन की मुनासिबत से आज हम इत्तफाकन बैठ गए इस हवाले से, तो आज हम तजदीद एहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम कराची को ऑन करेंगे। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से इन दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि जो ये प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ना कि सिर्फ इनके लिए रास्ते बनाएगी बल्कि जो सजेशन देंगे हम इंशाल्लाह मन ऑन इसको कबूल करेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप दोनों को, अप्रिशिएट करता हूँ, ये कोई जाली अप्रिसिएशन नहीं है कि आप लोगों ने बड़े कंस्ट्रक्टिव आज हमारे हमें सजेशन दिए। हमारे लोग देखते हैं, मॉनिटर होते हैं प्रोग्राम, वो देख भी रहे होंगे और मैं बिल्कुल आपकी सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, मैं सारे रेलिवेंट जो हमारे इदारे में उनसे बात करूंगा। और हमें देखें, हमें मुख्तलिफ शोज में बैठ के एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता। सर बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, 70 साल हो गए पाकिस्तान को बनने के, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है और हम अभी चांद देखने के चक्कर में है। तो हमें आगे बहुत बेहतर तरीके से हम सब लोगों को मिलजुल के चलना चाहिए। और अगेन मैं कहता हूँ कि जो पेंटिंग की दुनिया है उसमें अगर हम लोगों को उसकी तरफ लेके आएंगे तो फिर ये कराची के जो शहरी हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, दहशतगर्दी इंतहा पसंदी को छोड़ के फिर लोग दूसरी तरफ उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी और हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मैंने पूरी पेरिस में देखा जी, म्यूजियम में मैं लगा तो मुझे 2 घंटे लाइन पे लगना पड़ा कि सिर्फ अंदर जाए। पहले तो पैसों की टिकट खरीदी हमने जी, जी, जी। पूरी फैमिली ने, फिर आर्ट को देखने के लिए 2 घंटे मैंने क्यू में खड़ा हुआ और फिर जाके मैं अंदर जाके पेंटिंग उनकी मैं देख सका। इतने बड़े म्यूजियम है और एक जगह भी नहीं, पूरी मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो आर्ट के ऊपर उनके अपने लोग भी काम करते हैं, मुल्क भी काम करता है, तो हम लोग को पब्लिक को भी हम लोग का फर्ज है, जो लोग इसको जानते हैं वो थोड़ा सा इसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। तो आर्ट के ऊपर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको आर्ट के ऊपर जैसे आप हमारे यहाँ शो में मदद कर रहे हैं तो इसी तरह हमारे अब लोग टीवी के थ्रू प्रैक्टिकल देख के तो इस पर दिलचस्पी अपनी लेके आएंगे, तो इससे हमारे दिमाग थोड़े से जो और हमारी भी ये सब कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह भी जितने भी इस तरह के इवेंट हो, जितने इस तरह के प्रोग्राम है उसको प्रमोट करें, और इसको प्रमोट करना ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि जो लोग आर्ट से लगाव रखते हैं उनको पता चले कि शहर के अंदर इस तरह के इवेंट्स भी हो रहे हैं, जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा भी आप नसा फरमा रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर लोग बाकायदा पैसे खर्च करके घंटों लाइनों में इंतजार करके फिर आर्ट को देखने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ भी वो लोग मौजूद हैं लेकिन हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और जैसे अभी आप सदासा फरमा रहे थे क्योंकि हालात माजी में ऐसे नहीं रहे तो कल्चर भी बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये हमारी बहुत सारी बातों का आपको और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता जी, गांव में आज से 50 साल पहले क्या होता था, तो आपको जो लोग पेंटर हैं वो ही आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे एक उस्ताद अल्लाह बख्श थे पेंटर, उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ें तो स्टोरी उनकी थी हीर रांझा के ऊपर, तो आप उनकी पेंटिंग देखें तो हीर रांझा की आपको पता चलता है आपको समझ आ पूरी हीर रांझा की वो आपको पूरी पेंटिंग के थ्रू आपको स्टोरी देते हैं। मेरे घर पे पेंटिंग कुछ लगी नहीं है, गांव की है, जैसे वो गन्ने से गुड़ निकलता है तो कैसे निकलता है, तो वो आम आदमी को हमारे फैमिलीज में जो बच्चे उनको इतना नहीं पता कैसे गुड़ निकलता है, तो पेंटिंग के थ्रू वो जानते हैं कैसे बेल घूम रहा है, कैसे गन्ना जा रहा है, कैसे उसमें से रस निकल रहा है। तो यही चीजें आपको आपकी पुरानी जो चीजें हैं आपको कल्चर आपका आपको याद दिलाता रहता है, तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए हम सबको बिल्कुल करनी चाहिए। चित्रा प्रीतम साहब के हवाले से मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि चित्रा प्रीतम साहब ने वो हमेशा देख भी रहे होंगे कि उन्होंने सी को जिस तरह पेंट किया, मैं उनकी पेंटिंग देख रहा था, जिस तरह फिशरमैन को प्रिंट किया, जिस तरह बोट्स को प्रिंट किया है, तो यकीनन ये भी हमारे जो सराउंडिंग का जो माहौल है कराची के आसपास का, बलूचिस्तान का, ये सारा उन्होंने पेंट किया है, तो उन्हीं की अंडर पेंटिंग की नमाश होने जा रही है जो नासिर जावेद साहब कह रहे हैं। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि हम डेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, उसकी पब्लिसिटी भी करेंगे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसमें लोग आए देखें और सब लोग अपना अपना किरदार अदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदानंद जावेद साहब आपका और नासिर जावेद साहब आप दोनों का, क्या आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में आया और बहुत ही तरह से गुफ्तगु रही। जी इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, जाते जाते जी आपको बता दें कि इस वक्त
वैसे तो मौसम भी गर्म है और सियासी मौसम भी गर्म है जी, और अदालतों में इसका केसेस जो चल रहा है इस्लामाबाद में, आपको बताया था कि आज एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पेश हुए थे जो साबिक वजीर आजम है, साथ ही साथ इस वक्त जो कि जज मोहम्मद बशीर है उनकी भी मुलाजमत मुद्दत में तौसी के हवाले से केस की समाअत इस वक्त जारी है जी, और सेक्रेटरी कानून को भी तलब कर लिया है चीफ जस्टिस ने, तो ये सारे केसेस इस वक्त लगे हुए हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयां और समाअतें जारी हैं जी। इस हवाले से आने वाले बुलेटिन में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। जाते जाते आज के वार्डरोब की बात कर लेते हैं जी। आज के वार्डरोब में स्पॉन्सर क्या है, सना इंसारा लॉन ने, और इनकी जो कलेक्शन है वो है सिल्कोरिया बाय सना इंसारा लॉन, जो कि 9 मार्च को होने जा रही है जी, लॉन्च कमिंग फ्राइडे। तो मैं और यासिर तो जा रहे हैं जी, तो हम देखते हैं कि आपको भी वहां पे हम वेट करेंगे आपका भी, और आपने भी वहां जाना और जल्दी जाके जी परचेजिंग करनी है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है वंस अगेन मैं बता दूं जी, और बहुत ही मजे का फैब्रिक है, आप इसको जरूर प्रेफर करें। थैंक यू सो वेरी मच सना इंसारा लॉन एंड सिल्कोरिया कलेक्शन। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का इख्तिताम इसी के साथ करेंगे। प्रोग्राम आज का कैसा लगा इस बारे में आप जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो प्रोग्राम में जिसके ऊपर बात की जाए, आपकी फीडबैक भी ली जाए, लेकिन आज कॉल्स को थोड़ा सा महदूद करना पड़ा क्योंकि एक बड़ा मौजू था आज प्रोग्राम जिसको हमने डिस्कस किया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके मसाइल के हवाले से जैसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी फीडबैक हमें भेज सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया और लाइव कॉल्स के जरिए भी। तो सोशल मीडिया पे आप हमारा पेज ज्वाइन कीजिए, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक आप हमें जरूर भेजा करें। कल इंशाल्लाह नए मौजूद एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर, और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।